हेलो फ्रेंड्स, हिंदकोच डिक्शनरी वोकैबलरी वीडियोस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हमारे काफ़ी यूज़र्स ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और देने जा रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, CGS हो, SSC हो, UPSC हो, या NDA का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, बैंकिंग दे रहे हैं, रेलवेज दे रहे हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंग्लिश में भी जो वोकैबलरी सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, वोकैबलरी जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो अगर वहाँ पर आपके आंसर सही होते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं उसमें हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को किस तरह से जल्दी से इजीली सॉल्व किया जाए ये सीखने जा रहे हैं, उसके टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमिडिएटली मिलेंगे। आज का वीडियो हमारा पहला पार्ट है। आज के वीडियो में हम एक टिप सीखेंगे, एक ट्रिक सीखेंगे, जिससे हम बहुत इजीली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में पता कर सकते हैं। वैसे तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप सभी को पता है, समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द, पर एग्ज़ाम में कौन से आएंगे ये हम नहीं जान सकते या ये हम नहीं बोल सकते। बहुत से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो स्टूडेंट पहले के 5 या 6 साल के या 10 साल के पेपर्स को तैयार करते हैं, उनको मगअप करते हैं, क्रैम करते हैं, पर फिर भी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपने जो याद नहीं किया है उसी में से आता है, तो उनको किस तरह से सॉल्व करें ये हम सीखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टिप है वो है अंडरस्टैंड द वर्ड। अंडरस्टैंड द वर्ड, जो वर्ड आपको दिया गया है, जिसका सिनोनिम या एंटोनिम आपको निकालना है, उस वर्ड को आप पहले समझें। यहाँ पर समझने से क्या मतलब है, आपको ये सबसे पहले पता लगाना है कि वो वर्ड किस कैटेगरी में फॉल करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है उसका। कोई भी जो वर्ड आपको दिया गया है वो या तो फिर नाउन होगा यानी संज्ञा, या फिर एडजेक्टिव होगा, या फिर एडवर्ब होगा, या फिर वर्ब होगा, इन्हीं 4 में से कोई एक होगा। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि ये जो वर्ड दिया गया है वो क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है। अब एग्ज़ाम में सीधे सीधे वर्ड्स तो आपको दिए नहीं जाएंगे कि हाँ आपको दे दिया हैप्पी, एक वर्ड है हैप्पी और आपको उसका सिनोनिम्स या एंटोनिम बताना है। आप सभी को पता है कि हैप्पी जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, तो आप उसका सिनोनिम आप बता देंगे या एंटोनिम बता देंगे। यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो उन ट्रिकी क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, इसके लिए जो एक ईजी मेथड है वो ये है कि आप ये उनको सफिक्सेस के थ्रू आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे एक वर्ड मैं लिख रही हूँ यहाँ पर फ्रीडम, ये भी वैसे इजी वर्ड ही है। अब यहाँ पर अगर आप फ्री देखें तो ये एक वर्ब हो जाता है, पर अगर हम इसमें DOM सफिक्स यूज़ करते हैं तो ये बन गया नाउन। तो आपको अब पता चल गया कि फ्रीडम जो है वो एक नाउन है, क्योंकि इसमें DOM जो है वो नाउन सफिक्स है। इसी तरह से मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी नाउन है। अब ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसमें MENT जो है ये नाउन सफिक्स है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सफिक्सेस के बारे में जानेंगे कि कौन से नाउन सफिक्स हैं, कौन से एडजेक्टिव सफिक्स हैं, कौन से एडवर्ब सफिक्सेस हैं और कौन से वर्ब सफिक्सेस हैं, और उनके मीनिंग जानेंगे ताकि आपको उन वर्ड के मीनिंग को याद करना इजी रहेगा। मैं ये सभी आपको आगे के वीडियोस में बताने वाली हूँ, तो मेरे साथ
इस पूरे सीरीज में बने रहिएगा। अब जैसे आपको दो नाउन सफिक्स तो पता चल गए, डी ओ एम एम ई एन टी, ये दोनों ही नाउन सफिक्स हैं। इसी तरह से ओ यू एस, ये अगर किसी वर्ड के पीछे लगा है दैट मीन्स वो एडजेक्टिव है। अगर किसी वर्ड के पीछे एल वाई लगा है तो वो एडवर्ब है। अगर किसी वर्ड के पीछे ई डी या आई एन जी लगा है तो वो आपका वर्ब हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि हमें ये सब पता क्यों होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत से सफिक्सेस हैं, मैं एक एक करके एक एक वीडियो में आपको सब समझाऊंगी। अब बात करते हैं कि ये हमें पता क्यों होना चाहिए। अब हमने जो एग्जांपल लिया फ्रीडम, मान लीजिए हमारा जो वर्ड है वो है फ्रीडम। अब फ्रीडम का अगर हमें सिनोनिम ढूंढना है तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि फ्रीडम जो है वो नाउन है, तो इसका जो सिनोनिम या एंटोनिम होगा वो भी एक नाउन ही होगा। अगर वर्ड एडजेक्टिव है तो उसका सिनोनिम या एंटोनिम वो एडजेक्टिव ही होगा, वो एडवर्ब नहीं हो सकता है या वो वर्ब आप नहीं चूज कर सकते। अगर आप ये करेंगे तो आपका क्वेश्चन पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो वर्ड है अगर वो वर्ड नाउन है तो उसका सिनोनिम नाउन ही होगा, अगर एडजेक्टिव है तो उसका एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब ही उसका सिनोनिम होगा या एंटोनिम होगा, और वर्ब का सिनोनिम एंटोनिम वर्ब ही होगा। इतना आपको क्लियर हो गया? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई एक वर्ड ले लीजिए, मैंने एक यहाँ पे लिया है एडजॉर्नमेंट। यहाँ पर एडजॉर्नमेंट है और ये जो एम ई एन टी है ये आपको अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि ये एक नाउन सफिक्स है, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गया कि ये एक नाउन है। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है कि एडजॉर्नमेंट का मीनिंग क्या है तो आप पहले क्या करेंगे, आप जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनको चेक करेंगे और देखेंगे कि इनमें से नाउन कौन सा है। जैसे मैंने यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, पोस्टपोन, सस्पेक्टिंग, एक्यूजिंगली और इंटरप्शन। ये मैंने इजी दिए हैं आपको समझाने के लिए। अब पोस्टपोन में ई डी सफिक्स है और पोस्टपोन आप सभी को पता है ये एक वर्ब है, तो नाउन का सिनोनिम वर्ब तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हमारा बाहर हो जाता है। फिर सस्पेक्टिंग, वैसे कभी कभी आई एन जी नाउन की तरह भी काम करता है, जैसे जेरेंट होता है ना तो वो नाउन की तरह ही काम करता है, पर यहाँ पे सस्पेक्टिंग ये एक वर्ब है। क्लियर? तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा ख़त्म हो गया। एक्यूजिंगली एल वाई है, एल वाई एडवर्ब सफिक्स है, तो ये ऑप्शन हमारा ख़त्म हो गया। और टी आई ओ एन ये एक नाउन सफिक्स है, तो ये हमारा आज का आंसर होगा। जो हमारा आंसर है ये होगा इंटरप्शन। क्लियर? ये हमारा आंसर है। तो एडजॉर्नमेंट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? एडजॉर्नमेंट का मीनिंग होता है कि कुछ समय के लिए कार्यवाही को रोक देना। ये कोर्ट में एक्चुअली ये वर्ड यूज़ किया जाता है, बाधा डालना, बाधा। तो इंटरप्शन का मतलब भी वही हुआ। तो इस तरह से आप अपने जो ऑप्शंस हैं उनको नैरो कर सकते हैं, उनमें से आप सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड डिबेंचर। अब डिबेंचर क्या है? ये भी एक नाउन है, ठीक है, डिबेंचर भी एक नाउन है। इसका मीनिंग हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हम इसको डी ई बी को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? एक वर्ड है हमारा डेड, जिसे हम बोलते हैं ऋण, ये आप सभी को वर्ड पता है, तो दैट मीन ये इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम अब ऑप्शन की बात करें, पहला है वाउच। वाउच का मतलब प्रमाणित करना, सत्यापित करना, और ये एक वर्ब है। अगर इसके आगे हम ई आर लगा देते हैं तो ये बन जाता है वाउचर नाउन, पर यहाँ पर वाउच है और ये एक वर्ब है तो ये रॉन्ग है। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग जैसे मैंने अभी बताया कि आई एन जी फॉर्म नाउन भी हो सकता है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग जो है
एक नाउन की तरह काम कर रहा है, पर बॉन्डिंग का मतलब आप सभी को पता है, मेरे और मेरे दोस्त के बीच में एक बॉन्डिंग है, एक जुड़ाव है, मित्रता है, तो ये तो सूट नहीं कर रहा, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। अब हमारे पास बच गए दो ऑप्शन, बॉन्ड और एग्री। एग्री आप सभी को पता है वर्ब है, और नाउन का सिनोनिम वर्ब तो हो नहीं सकता, तो हमारा ये ऑप्शन भी निकल गया। बच गया क्या? बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? जो एक प्रतिज्ञा पत्र होता है ना, अगर आपने किसी से कुछ लोन लिया है या कोई चीज़ लिया है तो एक बॉन्ड भर के देते हैं, बॉन्ड देते हैं जिसमें सब कुछ लिखा होता है, तो ये बॉन्ड जो है यही आपका आंसर होगा। और यही मीनिंग है डिबेंचर का, कि प्रतिज्ञा पत्र या ऋण का स्वीकृति पत्र। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। अगर आपको ये पता हो कि ये जो क्वेश्चन में वर्ड दिया गया है वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अब यहाँ पर तो ये चीज़ अभी तक बिल्कुल क्लियर है कि एक ऑप्शन आपका वर्ब है, एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है, पर क्या एग्ज़ाम में आपको इतना ईजी दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम में अगर आपके पास नाउन है तो पॉसिबल है कि आपको नाउन के ही सारे ऑप्शंस मिले, तो अब वहाँ पर आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर क्या करेंगे हम ये भी देख लेते हैं। जैसे कंटेनमेंट, कंटेनमेंट नाउन है, कैसे पता चला? MENT सफिक्स लगा हुआ है। फॉरगेट अबाउट, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है कोई बात नहीं, आप अभी हम एक एक ट्रिक में एक एक चीज़ को कवर करते जाएंगे। अभी आप यहाँ पर सफिक्सेस को देखिए कि किस तरह से सफिक्स के वजह से के थ्रू आप किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच जान सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे कंटेनमेंट जो है वो हो गया नाउन यानी संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए सेटिस्फैक्शन, ऑडियंस, स्नोफ्लेक और कमिटी, ये चारों ही नाउन हैं। तो अब क्या करें? तो अब यहाँ पर नाउन के भी पार्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन्स होते हैं, आप सभी को पता है। तो अब हम वहाँ पर जाएंगे, तो जो कंटेनमेंट है वो कौन सा नाउन है? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो ये ऑप्शंस हमारे हैं इनमें से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही चूज करना है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिनोनिम या एंटोनिम एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा, कोई कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, प्रॉपर नाउन इस तरह से नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम बात करते हैं सेटिस्फैक्शन की। सेटिस्फैक्शन ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्लियर? ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑडियंस, ऑडियंस आप सबको पता है एक कलेक्टिव नाउन है, ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है। इसके लिए आपको नाउन का चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। स्नोफ्लेक, स्नोफ्लेक अगर आप देखें तो नाउन है पर ये एक कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन है। और कमिटी, कमिटी अगेन ये कलेक्टिव नाउन हुआ। तो अभी आपको सब नाउन पता चल गए कि कौन कौन से वर्ड किस नाउन टाइप्स ऑफ नाउन में फॉल कर रहे हैं। अब आप इसमें से देखिए कि कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेटिस्फैक्शन ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है तो ये नहीं हो सकता, स्नोफ्लेक कंपाउंड नाउन है ये नहीं हो सकता, कमिटी अगेन कलेक्टिव नाउन है ये नहीं हो सकता। तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन है ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और यही हमारा आंसर होगा। ये सेटिस्फैक्शन हमारा सही आंसर होगा, सही सिनोनिम होगा कंटेनमेंट का, क्लियर? तो कंटेनमेंट का आंसर आपको मिल गया, दैट मीन्स संतोष, संतुष्टि। ज़रूरी नहीं है कि आपको कंटेनमेंट का मीनिंग पता हो, आपको ऑप्शन में से इस तरह से आपको अपने जो ऑप्शंस हैं उसको कम करना है, उनका दायरा कम करना है और उनमें से सही ऑप्शन चूज करना है। हो सकता है ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से किसी ना किसी का आंसर आपको मीनिंग पता हो। तो इस तरह से हमारा जो पहला ट्रिक है वो है अंडरस्टैंड द वर्ड। जो वर्ड आपको दिया गया है उसके बारे में आप जानें, उसको समझें
कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि अगर वर्ब है तो उसका सिनोनिम या एंटोनिम वर्ब ही होगा, नाउन है तो नाउन ही होगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होगा, और एडवर्ब है तो एडवर्ब ही होगा। और इसके लिए जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो हम सफिक्स को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सफिक्सेस के थ्रू ही हम ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब या वर्ब के बारे में पता करेंगे। आगे के वीडियोस में मैं आपको डिटेल में सफिक्सेस, नाउन सफिक्स या एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब सफिक्सेस के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो मेरे साथ आगे भी बने रहिएगा। एक साथ में बहुत सारे टिप्स नहीं सीखने हैं, एक एक करके हम टिप्स पर जाएंगे और उनको डिटेल में जानेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसका पार्ट 2 होगा, तो मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में भी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।